अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दाल ख़ान है और मैं अलफजर मीडिया की तरफ से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अलफजर मीडिया आप लोगों के लिए मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लाता है, मुख्तलिफ़ सोसाइटी के बारे में आपको गाइड करता है। इसी तरह मैं आज आपके लिए लाया हूँ मदीना गार्डन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। आज जो हमारा मौजू है, आज जो हमारा टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे कि मदीना गार्डन जो है ना, बाकी सोसाइटी से मुख्तलिफ़ कैसे है और आप इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करें। अगर हम लोकेशन के लिहाज से देखा जाए तो मदीना गार्डन की जो लोकेशन है वो है तकरीबन 5 किलोमीटर फ्रॉम द न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इस्लामाबाद में है, उससे 5 किलोमीटर की दूरी पे वाकई है। जबकि अगर देखा जाए तो M1 मोटरवे तलनोल फतेह जंगखट जो टोल प्लाजा है उससे 4.5 किलोमीटर पर वाकई है। और 6 ऐसे मेन शहराए हैं जिससे मदीना गार्डन तक आप रसाई हासिल कर सकते हैं। जो 6 मेन शहराए हैं उनमें सबसे पहला जो मेन रोड है वो है कि कोहाट जंड रोड, जिस पे मदीना गार्डन वाक़े है। दूसरा जो हमारे पास आता है वो है सी पैक के बाद जो आता है हमारे पास थर्ड रोड वो है हकला इंटरचेंज। जो चौथा मेन शहरा आता है वो है M1 का जो तलनोल फतेह जंग का जो मेन टोल प्लाजा है वो आता है। पांचवा हमारे पास आता है रावलपिंडी रिंग रोड, और जो छठा वाला है वो है कश्मीर हाईवे। अब इन 6 जो मेन शहराए हैं, जी हाँ, ये जो 6 मेन शहराए इनमें जो एक शहरा है वो है सी पैक। अब मैं आपको अगर सी पैक के बारे में बताऊँ तो जो सी पैक का जो रोड है वो मदीना गार्डन के बिल्कुल दरमियान में से गुजरा है। और मज़े की बात यह है इन्वेस्टर्स के लिए कि अगर आप इसको देखा जाए कि एक सी पैक, एक रोड जो कि बहुत ही जिसको अहमियत हासिल है, वो ऐसा रोड एक सोसाइटी के दरमियान में से गुजरा हो, तो आप ख़ुद ही इसे अंदाज़ा लगा लें कि इन्वेस्टर्स के लिए कितना अच्छा मौका है। सी पैक का एक अंडर पास है जो कि मदीना गार्डन की तरफ उसकी एंट्रेंस है। हाँ, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आप एक अंडर पास है सी पैक से और वो मदीना गार्डन की तरफ है और वो उसकी मेन एंट्रेंस है, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए कितना अच्छा मौका है, क्योंकि वो सी पैक सर्विस रोड है वो भी मदीना गार्डन के बिल्कुल साथ है। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट प्लान के लिहाज से, जो कि पेमेंट प्लान के लिहाज से बात करें कि जो आसपास की जितनी भी बाकी सोसाइटीज़ है उससे मदीना गार्डन कितना मुख्तलिफ है, अगर बाकी देखे जाए तो जो नोवा सिटी, मुमताज़ सिटी, टॉप सिटी या बाकी जो सोसाइटीज़ हैं उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो लगभग हमारी लोकेशंस सेम हैं, क्योंकि मोटरवे से कोई 3 किलोमीटर के वाके है तो कोई तो 5 किलोमीटर की दूरी पे वाके हैं, तो लोकेशन के लिहाज से तो लगभग सारे सेम हैं। बट जो मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि जो मदीना गार्डन ने आपके लिए जो हमारा एक ओवरसीज़ ब्लॉक है उसकी इंस्टॉलमेंट प्लान शुरू कर दी है और 5 मंजिला आपको जो है ना 25 लाख में इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा। जी हाँ, 25 लाख में आपको 5 मंजिला इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा और ये बहुत ही अच्छा मौका है, ख़ास करके हमारी जो ओवरसीज़ बाई है कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक सेफ़ एंड सिक्योर जगह पे लगाएं। ये हमारे जो ओवरसीज़ बाई है और साथ में जो पाकिस्तान में रहते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है या जो बेशक अपना घर लेना चाहता है, क्योंकि 5 मंजिला आपको 25 लाख में मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट या अपना फ्यूचर का जो घर है वो मदीना गार्डन में उसको बनाएं। तो इसी मौके से आप फ़ायदा उठाएं और मदीना गार्डन में इन्वेस्टमेंट करें या प्लॉट लें, इंशाल्लाह आपको जो है ना 1 साल 2 साल में जो है ना ये बहुत बड़ा मुनाफा देगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जो मदीना गार्डन का जो पूरा पेमेंट प्लान है उसकी डिटेल्स लाऊंगा, और इसी तरह आपको पता है कि हम बाकी सोसाइटीज़ को भी कवर करते हैं, तो जो अलफजर का जो मीडिया का चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं और आपको हम वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।